नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कुनो नेशनल पार्क की एक मादा चीता बीमार है, उसका नाम साशा है। पार्क के डीएफओ प्रकाश कुमार वर्मा ने कहा कि मादा चीता कुछ समय से थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। तत्काल उसे क्वारंटाइन बाड़े में ले जाया गया, जहाँ भोपाल से आए पशु चिकित्सक से जाँच कराई गयी। पता चला कि उसके किडनी में इन्फेक्शन है और वह पूरी तरह डिहाइड्रेट हो गई थी। डीएफओ ने बताया कि बाकी सभी चीते स्वस्थ हैं। भोपाल से आए डॉक्टर चीता का इलाज कर रहे हैं। इलाज संबंधी बाकी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उसके अनुसार साशा की किडनी खराब हो रही है। यह कोई साधारण संक्रमण नहीं है। चीतों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनके अंग काम करना बंद कर देते हैं। साशा को अगर तरल पदार्थ पर ही रखा जाए तो उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। 5 साल की मादा चीता साशा को नामीबिया के गोबाबिस के पास मिली थी। ये बात साल 2017 की है। तब वह बेहद कमजोर और कुपोषित थी। बाद में उसे जंगल के आसपास रहने वाले किसान ले आए थे, जब वह बहुत छोटी थी। तब तक गांव वालों ने उसका ख्याल रखा। उसके बाद चीता कंजर्वेशन फंड ने जनवरी 2018 में इसे नामीबिया सेंटर में शिफ्ट किया गया। इस सेंटर में उसका ज्यादा बेहतर ख्याल रखा गया। उसके बाद साशा को उन 8 चीतों के बैच में शामिल किया गया जो भारत आने वाले थे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर किसी बड़ी बिल्ली को शिफ्ट किया गया था। PCCF JS चौहान ने बताया कि करीब 4 दिन पहले साशा बाकी चीतों की तुलना में थकी हुई और कमजोर दिख रही थी। उसके बाद उसे तुरंत क्वारंटाइन बाड़े में शिफ्ट किया गया, फिर इलाज शुरू किया गया है। 3 डॉक्टर्स उसका इलाज करने में लगे हैं और वो लगातार पर्यावरणविद वाईवी झाला और नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड के एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के एक्सपर्ट और पशु चिकित्सक साशा का ख्याल रख रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं और जल्द ही उसके स्वस्थ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा भी पशु चिकित्सक कहेंगे वैसा किया जाएगा, उनके सारे टेस्ट कराए जाएंगे। फिलहाल साशा को नरम खाना दिया जा रहा है ताकि वह आसानी से पचा सके। खराब तबीयत के दौरान पोषण भी मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वह बच भी गई तो अधिकतम साल भर जी पाएगी। बाकी 7 चीते 5 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में उन्हें जल्द ही जंगल में छोड़ने की तैयारी है। 17 सितंबर 2022 को चीतों को नामीबिया के हुशियाकोटक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाया गया था। उन्हें लाने के लिए एक विशेष बोइंग 747 विमान भेजा गया था। इस विमान को चीतों के लिए मॉडिफाइड किया गया था और विमान की नाक पर चीते की पेंटिंग बनाई गई थी। नेशनल पार्क में इन चीतों के रहने की विशेष व्यवस्था की गई थी और देखरेख करने के लिए कई स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई थी। इन 8 चीतों के 5.5 साल के 2 नर और 4.5 साल का 1 नर, 2.5 साल की 1 मादा और 4 साल की 1 मादा, 2 साल की 1 मादा और 5 साल की 2 मादा चीता शामिल थे। इन चीतों को नामीबिया के अलग अलग इलाकों में खोजा गया था। इन पूरे मिशन की देखरेख के लिए भारत और नामीबिया सरकार की ओर से कई एक्सपर्ट्स शामिल थे, जिनकी टीम गठित कर वहां भेजी गई थी।